जिला तरन तारण के नज़दीकी पिंड औड़ विच कुछ दिन पहला एक बजुर्ग दलित नूं लकड़ियां उठाउण ते बजुर्ग नाल मारपीट करन दा मामला सामने आया सी अते पुलिस दे वल्लों कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस दे चलदे मीडिया द्वारा दलित परिवार नूं इंसाफ दिवाउण लई सोशल मीडिया ते काफ़ी वीडियो वायरल हुई, जिस दे चलदे एस सी कमीशन के मैंबर राजकुमार हंस जी ने तुरंत जिला तरन तारण विच आ के दलित परिवार नाल मिल के पुलिस नूं फटकार लगाई अते कहा कि पुलिस दे वल्लों गरीब परिवार नूं इंसाफ क्यों नहीं मिलिया। जब इस मामले विच राजकुमार हंस जी तो पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने चौंकी टाउन इंचार्ज हरपाल सिंह नूं कहा सी। उन्होंने चौंकी टाउन इंचार्ज हरपाल सिंह नूं कहा कि मामले की जांच करके आरोपी से सख्त कार्रवाई की जाए। उधर तरन तारण के डी एस पी सुचा सिंह ने कहा कि मामला उन्होंने ध्यान में है अते ओ छेती तो छेती आरोपी नूं गिरफ्तार करनगे। अखबार तो सूह मोटो लेंदे हुए अपनी चेयरपर्सन मैडम तजिंदर कौर जी रिटायर्ड आई एस ऑफिसर जी नाल मामला ध्यान च लिया के डिस्कस किया गया ते मामले की गंभीरता नूं देखते हुए मैडम चेयरपर्सन मैडम ने साडी ड्यूटी लगाई कि मौके पर जाके पलास और जाके मौके का जायजा लिता जाए तो पीड़ित परिवार का हाल पूछा जाए तो सारी उन्होंने हड्डबीती सुनी जाए तो मौके पर कोशिश की जाए इस मामले में शॉर्ट आउट क्लीयर करने की कोशिश की जाए। मौके पर जाके देसराज सिंह की वाइफ के बयान दर्ज किए, उन्होंने कजन ब्रदर बलजीत सिंह के बयान दर्ज किए तो पाया गया कि दोषी परिवार ने जिहड़ा कि आरे का मालक है उसने पीड़ित परिवार को सोटिया राही मुकुट घुट के उदियां लत्तां की हड्डी फ्रैक्चर कर दी, बाहां की हड्डी फ्रैक्चर कर दी, बड़े बुरे तरीके कुटमार की, जिहड़ा कि असी कमीशन ने महसूस किया कि एट्रोसिटी एक्ट 1989 की शरेआम उलंघना की गई है, जिथे पुलिस को यह हदायत की गई है कि ब्लंट सट्टा होने करके 23-24 की कार्रवाई बनती है, जां ब्लंट सट होने करके फ्रैक्चर होने करके 25 की कार्रवाई बनती है, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट की 1989 की उलंघना हुई है। तो इस करके मौके पर DSP साहब ने यह हदायत की कि नाल उत्थे एस सी एक्ट का परचा दर्ज करके दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके 23 अप्रैल में इस चौंकी के जिहड़े कि चौंकी टाउन के इंचार्ज ने हरपाल जी उन्हां दी ड्यूटी लगाई गई है कि परचा दर्ज करके दोषियों की अरैसट पा के 23 अप्रैल में सैक्रटेट निजी तौर पर हाजिर होकर रिपोर्ट पेश कर। सर पीड़ित किस तरह की हालत है, गंभीर है कि ठीक है, अगे फिट है? थोड़ा जहाँ अगे नो ठीक है, पर एट्रोसिटी एक्ट की उलंघना होने करके एस सी एक्ट से लगना वो हालत ठीक हो थोड़ी घट ठीक हो काउंट नहीं करता, क्योंकि दोषी परिवार ने उस ज्यादती की है, एट्रोसिटी एक्ट में तोड़िया है, उलंघना की है, इस करके उन्होंने एस सी एक्ट का परचा दर्ज करके अरैसट हुई। पुलिस ने इस मामले की ढिल क्यों बती, की कारण भी सामने आया पता लगा? मैं समझा कई बार पुलिस से सियासी दबाव होता है, सियासी दबाव का करके पुलिस कई बार ढिलमट रोल अदा कर देती है, पर जिस वेले ध्यान च एस सी कमीशन के ध्यान च मामला सूह मोटो असी लिया तुसी देखिया कि लगभग 8 अप्रैल की अखबार में पढ़िया तो तुहाडे ही किसी पत्रकार भरा ने सोशल मीडिया से खबर में पाया तो सूह मोटो लेंदे सार एस सी कमीशन ने तुरंत इतने अपना विजिट बना के पुलिस को हदायत जारी की। एक्शन टेकन रिपोर्ट लेके आए उन्होंने ही कहा। अच्छा जी, तो की कार्रवाई की जा रही दो थां पिंड नूर दी पिंड पलासोर दी? ये जाके करते हैं, उस तो बाद जी जी श्री देसराज जी उन्होंने स्टेटमेंट साढ़े को कल रिपोर्ट हुई है, पहले उन्होंने स्टेटमेंट नहीं सी दी करके ठीक है। बालन ले लवां, बालन ही पिया बार आ रहा हीरा वा, तो मैं थोड़ा जा बालन चुक लिया उतों, दो जने हीरा ते मुंडा उहदे नाल, उन्हें दोवे जने मेरे भज के मैनू फड़ लिया, फड़ के उन्हें वार लिया आरे आरे उत्थे दोवे जने ने मैनू बड़ा कुटिया बहुत ज़्यादा ही, एक मेरी लत्त तोड़ती एक बांह तोड़ती, मैनू मारन दे इरादे च उन्हें मतलब पूरी कोशिश की, रंजिश यही कि बस आरे दे बाहरों थोड़ा जिहा बालन चुकिया इसे करके बालन जी। तो पुलिस नूं दरखास्त दित्ती तुसीं कदे तुसीं हुण चाहना जी मेरा ना इंसाफ किया जाए, मैनू इंसाफ दिता जाए, इन्होंने कानूनी कार्रवाई की जाए जिन्होंने मेरे से सट लाई है। नहीं लकड़ा ही जी, लकड़ा डंडे डंडे जी लकड़ा ही है, लकड़ा खुंगियां आ रही
ਫੁੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਸੰਨਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸੁਹਾਗ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੋਟ ਕੋਟ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ।